साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, कुछ अखबारों में खबर छपी, कुछ चैनलों में खबर चली कि देश के 100 किसान संगठन किसान आंदोलन में अब अन्ना हजारे जी का नेतृत्व चाहते हैं। हमारे साथी लगातार संपर्क कर रहे कि आखिर ये नया कौन सा षड्यंत्र है। और साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वो 100 संगठनों की बात करने वाले तथाकथित किसान नेता भी सुन लें और जवाब भी दे दें। और बुजुर्ग होने के नाते हम अन्ना जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये फसलों और नस्लों की लड़ाई है और अन्ना जी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी देश ने देखा है, तो अन्ना जी से हम उम्मीद करेंगे कि वो देश को जवाब देंगे। साथियों, हमारे सवाल हैं जो तथाकथित किसान नेता बन रहे, जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट बनकर के दलाली कर रहे, जो आंदोलन को तोड़ने के लिए रोज नए षड्यंत्र रचते हैं, उन तथाकथित किसान नेताओं से हमारा सवाल है कि वो देश को अपने किसान संगठन बताएं, अपना नेता बताएं, उनका इस ऐतिहासिक आंदोलन में जो योगदान है वो बताएं। और मैं देशवासियों से अपील करूंगा, ये जिन जिन राज्यों से आते हैं, ये कहीं मिले तो इनका इलाज जरूर करें। ये लड़ाई जमीन और जमीर की है साथियों। दूसरी बात, हमारे अन्ना हजारे जी से कुछ सवाल हैं और बुनियादी सवाल हैं। क्या वो लोकपाल बिल के लिए, जिसके लिए देश उनको जानता है, क्या वो लोकपाल बिल को लागू करवा चुके हैं? क्या उनका आंदोलन सफल हो चुका है? जो अब वो इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते हैं। दूसरी बात, 1.25 साल से आप कहां सोए हुए हैं? आंदोलन चलते हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है। इसी के साथ में हम ये कहेंगे कि अन्ना जी, महाराष्ट्र का गरीब किसान आंदोलन में बॉर्डर पे आता है, क्या आप एक बार भी बॉर्डरों पे आए? और छोड़ दीजिए, आपने तो एक मीटिंग भी इन 9 महीनों में महाराष्ट्र के किसी गांव तक में जाकर के नहीं की। 2014 में लगता है कि लोकपाल बिल कम मुद्दा था और आरएसएस और बीजेपी को गद्दी मिले वो आपके लिए बड़ा मुद्दा था। अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं तो किसान आंदोलन याद आ रहा है, लेकिन हर षड्यंत्र फेल हुआ, यह षड्यंत्र भी फेल होगा। दोकली नीति और दोकली बात अभी इस देश में चलने वाली नहीं है। और साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा, ये तथाकथित किसान नेता और अन्ना हजारे जी भी सुन लें, आज तक का सबसे बेहतरीन नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा में है। अलग अलग राज्यों का आंदोलन एक सूत्र में पिरोया संयुक्त किसान मोर्चा बना करके। आजादी के बाद देश को बचाने की लड़ाई आंदोलन बन चुका है। हमें हमारे नेताओं पे, हमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा पे गर्व है और पूरे देश को गर्व है कि हमारे नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया जो सरकार के जोड़ों में बैठता जा रहा है, और यह आंदोलन सफल होगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। और केवल लड़ाई कानूनों की नहीं है, एमएसपी की नहीं है, अब लड़ाई देश को बचाने की है। तो संयुक्त किसान मोर्चा पे सवाल उठाने वाले लोग और नया नेतृत्व मांगने वाले लोग कान खोल करके सुन लें और हद में रहें, नहीं फिर हमारे फंसे तो फिर इलाज किया जाएगा। और इसी के साथ में साथियों, हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि अब लड़ाई को तेज भी करना, मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है और पूरे देश में इस आंदोलन की आग जन जन तक जारी है। पूरा देश जागृत हो रहा है और पहली बार सब धर्म, सब जातियां और बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक इस आंदोलन के अंदर अपना योगदान देने का काम कर रहे। तो इस वीडियो को शेयर कर दें। हम उम्मीद करेंगे ये तथाकथित किसान नेता और अन्ना हजारे जी हमारी बातों का जवाब देंगे। और अन्ना हजारे जी, आपको एक अंतिम बात हम कह दें कि हमें आपके नेतृत्व की जरूरत नहीं है, हमें
आपके योगदान की जरूरत नहीं है, आप अपना जन लोकपाल बिल का आंदोलन चला लें, संयुक्त किसान मोर्चा कैपेबल है, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को सफल भी बना रहा, जीत की ओर भी लेकर के जा रहा, आपके नेतृत्व की इस आंदोलन को जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जवाब देंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, और देश को बचाने का आंदोलन है, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कम से कम आप ना कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।